I hope it's easy. Right. Let's proceed ahead. The next question that you only gave me was for us a blurred picture tha, but then it's okay. ये इसमें हमें ये एक तो इसमें evaluate करना है. We need to evaluate this determinant, and then we need to prove that the value of the determinant lies between 2 and 4. Right. That is 2 and that is 4, and that is the determinant. Okay. तो चलो इसको open करते हैं. Let us open this using row expansion or column expansion, whatever you say, without a problem. So मैं इसको लिखता हूँ. This is 1 sine theta 1 minus sine theta 1 sine theta minus 1 minus sine theta and 1. ठीक है, तो कहीं पे भी इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट, इफ यू से टू एक्सपैंड अलोंग द रो, तो चलो अलोंग द रो ही कर लेते हैं. ठीक है, तो 1 इनटू, राइट, डायरेक्टली करना चाहता हूँ, 1 इनटू दिस, दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, माइनस का माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो दैट विल बी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे मैंने अभी माइनस साइन आएगा ना, राइट, माइनस साइन थीटा. आई एम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो. ओके, माइनस साइन थीटा, आई विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस. व्हाट इज दैट, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये कितना बनेगा मेरे पास, प्लस साइन थीटा, बिकॉज माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो माइनस साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी जीरो. That's a good thing. That decreases the calculation. Now we have 1 into what? Minus sine theta into minus sine theta. What is that? That is plus sine square theta. And 1 minus 1. यानी कि minus का minus 1 क्या बन जाएगा बच्चों? Plus 1. तो overall ये जो expression है, अगर आप ध्यान से देखें, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 2 आ रहा है. और twice of sine square theta. यानी कि exactly मेरे पास delta की value, यानी कि determinant की value, this is what we are getting. Twice of 1 plus sine square theta. Now that was first part of the question to evaluate. हमने evaluate कर दिया. Now we need to prove that this expression lies between 2 and 4. So बेटा इसमें एक part तो constant है और एक part variable है, sine square theta. तो यहाँ से हम लोग इसके अगर second part की तरफ move करें तो बहुत आसानी से इसको हम समझ सकते थे बेटा. That we know that sine theta always lies between -1 to +1. So whenever we do the square, right? किसी भी फंक्शन का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो नेगेटिव में तो वो कभी जाता ही नहीं है ना. व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू दैट इट कैन अटेन, 0, एंड द मैक्सिमम डेफिनेटली 1. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूं. एक्सप्रेशन मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए दैट इज 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा. आपको इसकी रेंज बतानी है, राइट, यू नीड टू प्रूव दैट दिस डेल्टा इज हियर. सो नो प्रॉब्लम, आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर इनइक्वालिटी बाय 2. इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 2, दिस रिमेंस 0 एंड दिस रिमेंस 2. Right, if I add 2 everywhere, right, because I want to obtain this entire expression. So if I add 2 everywhere, 0 plus 2 is 2, and I get the entire expression here, that is 2 of sine square theta, and that is 2 plus 2 is 4. So that is how we have proved that yes, this expression, this is nothing but delta lies between 2 and 4. Is it fine, Samriddhi? Yes, sir. Right. So that was your second doubt, and I hope it is again easy. Now we'll come to the today's topic, that is properties of determinant. This is extremely important, especially from board point of view, right? इसमें आपको CBSC, ISC दोनों board में every alternate year, I won't say every year, but every alternate year, इस पे 4 से 6 marks के question आते रहे हैं. अगर आप previous year questions को analyze करोगे, तो इस पे तुम्हें questions जो हैं लेंदी वाले, राइट, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, वो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, राइट. आफ्टर एवरी सेकंड ईयर दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2019 में पूछा तो 20 में नहीं पूछा, ऐसा नहीं है. मतलब हर 5 साल में 3 बार पूछी देते हैं, सीधी सी बात ये. वो जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट ईयर, जैसे अब ये मत चेक कर ले भाई 2020 में पूछा है तो अगले साल नहीं पूछेंगे, आपके वाले में नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसकी वेटेज भी अच्छी है. मतलब एक क्वेश्चन देंगे जिसकी वेटेज 4 to 6 marks की होती है. तो क्या ये देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है, इजी है, मुश्किल नहीं है. मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया इस चैप्टर में दैट यू हैव नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर, जस्ट दैट इट इज कैलकुलेटिव, इट इज लेंदी, राइट. तो हमें कैलकुलेशन की मेनली ढंग से प्रैक्टिस करनी है इसमें. ठीक है, आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट बाय द प्रॉपर्टीज. मैंने प्रॉपर्टीज
एनसीईआरटी को रेफर करते तो ऐसी 6-7 प्रॉपर्टी होती, बट आरडी शर्मा में प्रॉपर्टी को भी प्रॉपर्टी बना देते हैं, तो ओवरऑल आपके पास इसमें 12 प्रॉपर्टीज हैं एज पर आरडी शर्मा। बस बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ देखो शुरू करते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए राइट डेल्टा ए, व्हाट इज दिस? दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए सैटिस्फाइज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम विद इट्स कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर्स राइट। ये एग्जांपल हमने कल भी किया था, चाहो तो अभी भी लिख सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे सपोज करो आपने एक डिटरमिनेंट लिया A and the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4 and 2. ठीक है, मैंने randomly एक determinant ले लिया, मुझे इसकी value बतानी है। तो क्या बोल रहे हैं ये element? ठीक है, A11. What is A11 in this particular case? That is 1. And A11 क्या होता है? इसका cofactor. तो अगर मैं इसके cofactor की बात करूँ, तो cofactor मेरे पास A11 का कितना है बच्चों? It is 5, 6. मैं सिर्फ, मुझे मालूम है आप में से कई लोगों को ये आता है, लेकिन फिर सिर्फ रिविजन के लिए मैं इस चीज को entirely step by step revise करा रहा हूँ, because ये चीजें तुम्हें frequently मिलेंगी, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, I'm sure some of you are very very comfortable in this, but still I'm repeating it, right? तो cofactor में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम -1 raised to the power i + j करते हैं। यहाँ पे i plus j कितना है? 2 है, इसीलिए प्लस रह गया। अभी मैं सेकेंड एलिमेंट लेता हूँ राइट, A12 यानी कि यहाँ पे मेरे पास कितना है? That is 2. और -1 की पावर 1 प्लस 2 कितना होता है? -1. तो या तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर आप कहो तो मैं माइनस साइन यहीं पे लगा दूं। ठीक है, और जब मैं इसका कोफैक्टर लिखूंगा, कोफैक्टर तो हमने लिख दिया बिकॉज -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आप सिर्फ क्या लिखना रह गया? उसका माइनर लिखना रह गया। तो माइनर के लिए क्या करते हैं? जहां से वो एलिमेंट है वो वाला कॉलम और वो वाला रो छोड़ देते हैं राइट। यानी वी आर बी लेफ्ट विद ये वाली चीज छोड़ देंगे और ये वाली चीज छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ लिख देंगे। सो इट इज 4, 1, 6, 2, exactly in that order. और फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है? +3. इसका आपके पास cofactor क्या होगा? +1 ही होगा। और ये कैसे है? ये 4 elements आपके पास आ जाएंगे. That is 4, 5, 1, 4. अब इसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, I'm pretty sure that you know that this is nothing but determinant of A. Right? Either you write like this or you write like this. That is all the same. ठीक है? तो ये आपकी सबसे पहली property है जिसको हमने कल भी discuss करा था. I hope it is fine and none of you has any problem in this. Okay? So I'll proceed ahead. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. The next one is second property that you have is for any square matrix, right? ये भी हमने कल पढ़ा था. The determinant is zero if the row or column are multiplied by cofactors of the corresponding elements of other row or column. ठीक है, इसका भी एग्जांपल आओ देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं राइट। आओ वही वाला एग्जांपल क्यों ना ले लें, चलो दोबारा लिख लेते हैं, बहुत आउच पाउच हो रखा है। सो लेट्स से वी टेक अ डिटरमिनेंट, इट इज 1, 2, 3 एंड 3, 2, 4, 1, 4, 2. ठीक है, रैंडमली मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया और मुझे ये प्रूव करना है कि इस जब हम ऐसा कुछ करेंगे, मतलब हम जो कोफैक्टर लेंगे वो करस्पॉन्डिंग लेंगे बट दूसरे एलिमेंट का लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको प्रूव करूंगा, मैं यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन तुम्हें करके दिखाता हूँ कि यहाँ हमें जीरो ही आना चाहिए। सो A11 लेते हैं बेटा, A11 मेरे पास कितना है? A11 इज 1 इन दिस केस। और A21 2 + 1 = 3 यानी माइनस साइन आएगा, तो मैं इसका जब कोफैक्टर लिखूंगा 2, 1 यानी क्या हो गया बेटा? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो कोफैक्टर बन रहा है राइट, ठीक है, कोफैक्टर बन रहा है वो माइनस साइन के साथ क्या आ रहा है? 2, 3, 2, 3 and 4. आई होप दैट इज क्लियर। A12 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो A12 मेरे पास यहाँ पे कितना है? इट इज कमिंग आउट टू बी 2. ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2. और अब मैं A22, अब जो कोफैक्टर ले रहा हूँ कौन सा ले रहा हूँ? दूसरे रो का ले रहा हूँ, ठीक है, दिस वन। तो इसके लिए अब क्या होगा? This particular row and this particular column would be gone. बचेगा क्या बच्चों? बचेगा मेरे पास 1, 1 and 3 and 2. ठीक है, अच्छा समझने की बात एक और है कि यहाँ पे ये 1, 2 है राइट, ये आपका जो ये, अच्छा ये तो हो गया 2, 2 हो गया ना, बिकॉज इसका कोफैक्टर लेते हैं, ये 2, 2 हो गया तो ये 2, 2 तो आपका -1 की पावर 4 हो जाएगा, विच इज +1. ठीक है, कमिंग टू A13 इज वॉट? दैट इज 3
ओके एंड टू थ्री, टू थ्री जब मैं करूंगा माइनस वन की पावर टू थ्री, दैट इज माइनस वन, तो यहाँ कैसे माइनस लगा दू, मैं माइनस लगा रहा हूँ, और अभी दिस पार्टिकुलर रो कॉलम एंड दिस पार्टिकुलर रो वुड बी गॉन, ये चार एलिमेंट्स मेरे पास बच रहे हैं, राइट, आई एम सॉरी बिकॉज ये ए टू थ्री था ना, तो मैं मुझे इसको हटाना चाहिए था, ठीक है, तो मैं ये दिस वन एंड दिस वन विल बी गॉन, यानी बचेगा वन टू वन फोर, ठीक है, वन, बस ये कैलकुलेशन में ही थोड़ा केयरफुल रहना होता है, ठीक है, मैंने ये बात पहले भी कही है कि ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ अच्छे बच्चे भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, यू हैव टू बी, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, राइट, डबल चेक कर भी करना भी पड़ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज वेटेज इन क्वेश्चन की ज्यादा होती है, ठीक है, ओके, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ गया ये, फोर माइनस ट्वेल्व, हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली फिर तेज होने लग जाती है, वॉट इज दैट, टू माइनस थ्री, मैं इसको सीधा माइनस वन लिखना चाहता हूँ, दिस माइनस थ्री, दैट इज फोर माइनस टू इज टू अगेन, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो आपके पास आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू माइनस एट इंटू माइनस वन विच इज प्लस एट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज माइनस एट एंड दैट इज माइनस सिक्स, राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है, वैसे तुम कभी भी रो के कॉलम के अलॉन्ग कभी भी करोगे तो ये हमेशा ही जीरो होगा, दिस इज अ प्रॉपर्टी, इज इट ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना इजी है, सिर्फ यूज करना तुम्हें सीखना है, ठीक है, इसीलिए मैं हर चीज के लिए तुम्हें एक एग्जांपल देता जा रहा हूँ, सो दैट यू डोंट मिस इन एनी स्टेप, ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज अनदर वेरी इजी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इजी एज वेल एज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज ए ट्रांसपोज, ये मैंने आपको कई बार बताया भी था, राइट, कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज क्या होता है, दैट यू चेंज द रो एंड कॉलम, एग्जांपल देता हूँ बिकॉज़ आई कैन सी दैट टू थ्री पीपल वर नॉट देयर इन मैट्रिसेस, तो एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो तुम्हारे पास एक टू बाई टू का मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू, राइट, लेट्स से दिस इज योर मैट्रिक्स ए, आपसे बोला गया व्हाट इज ए डैश, या फिर इसको ये भी कहते हैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मतलब सिंपल होता है दैट यू एक्सचेंज द रोज इन कॉलम, तो मैं इस रो को इससे एक्सचेंज करता हूँ, ये जो फर्स्ट रो है इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, राइट, एंड सिमिलरली सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया, ए टू वन एंड ए टू, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो द वैल्यू, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, राइट, सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, दैट मीन्स इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम, वॉट एवर वॉज ए A transpose will be exactly the same thing. Okay? That is what they say. In competitive world, इस property को हम लोग property of reflection भी कहते हैं. कई बार ये इस तरीके से use होगा. ये आप चाहो जो लोग IIT वगैरह को focus कर रहे हैं, उनको इन words के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है? Because question में वो as it is बोल देते हैं, property of reflection is being used. तो आपको पता होना चाहिए property of reflection is nothing but what? कि determinant की value same होती है अगर उसका हम transpose कर देते हैं तो. इसलिए मैंने इसको highlight कर दिया है. राइट, ये एनसीईआरटी और इस तरीके से यहाँ पे तो नहीं यूज हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप ध्यान रखना प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, इफ यू कैन राइट इट डाउन, इसको ब्रैकेट में थोड़ा हाईलाइट करके लिख लो, सो दैट यू रिमेंबर दैट, कहीं कोई टर्म मिल जाए तो ऐसा ना होगा आपको लगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. ध्यान रखना प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ और नहीं है, यही है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और एक्चुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. फाइन, ऐसा क्यों कहते हैं ये भी तुम समझ सकते हो हालांकि, राइट, क्योंकि अगर मैं कोई मिरर ले लूंगा और अगर रिफ्लेक्ट करूंगा, राइट, अगर मैं मिरर यहाँ पे रखता हूँ तो ये वाले एलिमेंट एक्सचेंज होंगे ना, इसलिए इसको प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. ठीक है, दीज एलिमेंट्स विल बी रिफ्लेक्टेड. अगर मैं डायगनल पे मिरर रखता हूँ तो ये चीज इंटरचेंज हो जाएगी ना, द मिरर इमेज वुड चेंज. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, राइट, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर फोर, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, अनदर इजी एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, or columns where n is greater than 1, that means n is greater than equal to 2, right? That means हमारे पास number of rows और number of columns कितने होने चाहिए, कम से कम दो होने चाहिए, तभी ये वाली चीज hold करती है. ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक single matrix है इसमें तुम्हारे पास सिर्फ एक element है, right? तो ये बात करनी बेवकूफ़ी होगी, फिर हम इस बात को ऐसे नहीं कहेंगे. तो ये बात बहुत clearly यहाँ पे notify कर की गई है that whenever n is greater than equal to 2 or you say n is greater than 1, okay? Then sign of the determinant changes, right? Obviously बात है बेटा, अगर तुम्हारे पास एक ही element है तो तुम क्या चीज में करोगे, right? अब ये कह रहे हैं कि दो row और दो column में अगर मैं interchange करूंगा तो sign change होगा. अब यहाँ तो एक ही row और एक ही column है, इसमें क्या चेंज कर पाएंगे, इसीलिए इसका रीजन है कि ये n greater than equal to 2 होना चाहिए. और इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, विल टेक एग्जाम्पल एवरीवेयर सो टू मेक श्योर दैट
यू वेरीफाई एवरीथिंग. लेट्स से मैंने एक ये वन टू ए मैंने लिया है जिसमें वन टू और थ्री फोर है, राइट. मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ. ये कितना हो गया, द वैल्यू इज फोर माइनस सिक्स. तो फोर माइनस सिक्स आई एम गेटिंग ए एज माइनस टू. अब ये क्या कह रहे हैं, इफ आई इंटरचेंज ईदर रोज और कॉलम्स देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट वुड चेंज. ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, कोई भी मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूँ, राइट. फिर उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें मैं दो रो को चेंज कर देता हूँ या फिर दो कॉलम चेंज कर देते हैं, व्हाट एवर यू से. लेट्स से कॉलम चेंज करते हैं, तो जो सेकंड कॉलम था उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया और जो फर्स्ट कॉलम था उसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया और मैंने चेक किया कितना आ रहा है. दिस इज कमिंग आउट टू बी सिक्स माइनस फोर, डेफिनेटली द साइन चेंजेस, राइट. हेयर इट वॉज माइनस टू एंड हेयर यू हैव व्हाट, प्लस टू. ठीक है, सो दैट वॉज अनदर. इसको हम लोग स्विचिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में इसको स्विचिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं. अगेन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ interchanging the rows and columns where the sign of the final thing changes, this is also called switching property because you switch the rows. Switch ka matlab kya hota hai, exchange karna. Theek hai, I switch my position with you, that means we are interchanging our positions. Theek hai, to isko switching property bhi kehte hain, dhyan rakhna. Okay children, is it fine everyone, yahan tak sab kuch samajh mein aa raha hai, koi problem to nahi? Can I see your hands if everything is okay? Just show me your hands fast if everything is fine. Okay, good enough, fine. Let's proceed ahead. Coming to the next property, that is property number 5. If any two rows or any two columns, right? मैंने ये बात आपको starting में बताई थी कि initially एक दो classes में हम थोड़ा सा slow ही चलते हैं, right? To make sure that we have sound, strong basics, right? And then ultimately फिर practice करने पे आएंगे तो आपको पता है एक भी question हमसे छूटता नहीं, right? तो इसीलिए थोड़ा अगर किसी को स्लो भी लग रहा है अभी तो तुम वो चीजों को समझने की कोशिश करो आराम से, एग्जांपल्स लेके समझो, ठीक है. सो दैट रटिफिकेशन वाली कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी रटने की नहीं है, इसलिए हर चीज को देख के एग्जांपल से वेरीफाई करके करते चलो. इफ टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो. बहुत बढ़िया, राइट. कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी और रिपीटेशन प्रॉपर्टी. कभी भी अगर दो रो और दो कॉलम, मतलब या तो दो रो या फिर दो कॉलम, अगर उसके एलिमेंट्स या तो प्रोपोर्शनल हैं या फिर इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शनल तो है ही है ना, राइट. इफ दे आर इक्वल देन डेफिनेटली दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है. तो मैं इसका जो बिगर टर्म है वो ये बोलूंगा दैट इफ दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है. If they are proportional, then the value of the determinant is always zero. It is always zero. आइए इसका एक example लेते हैं. Again, let us take some example. मैं suppose करो एक 3x3 का इस बार matrix determinant ले लेता हूँ. Let's say it is 2, minus 1, and 3. और यहाँ मैंने लिया 1, 2, and 3. और मैं किसी एक के ना, किसी भी एक के मैं अभी proportional लेना चाहता हूँ. तो लेट से मैं R1 और R3 को प्रोपोर्शनल लेता हूँ. प्रोपोर्शनलिटी का मतलब आप जानते हो कि मल्टीपल होना चाहिए. तो मैं इसको इस पूरे रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली लेट से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो यहाँ मुझे मिल गया 2 3 इज 6, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3 एंड 9 3 3 इज 9, ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए, राइट. अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए. आइए ऐसा करते हैं, इसको हम लोग do the expansion over first column. आइए column के along करते हैं, ठीक है. तो मैंने 2 लिखा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 minus 3, 3 and 9. सीधा अगर आप कहो तो multiply करके लिख दूँ, कितना हो जाएगा ये 18, 18 और plus 9. 18 plus 9 is what? That is 27. फिर यहाँ पे ये minus 1 आएगा, minus 1 आएगा. और भी किसको multiply करूँगा? This is minus 9 and that is what? Plus 9. Minus 9 plus 9 ये कितना बन रहा है? ये 0 आ रहा है, ठीक है. Coming to 6. Sir, हाँ बोलो बेटा. Sir, वो last row में 6 minus 3 और 9 कैसे है, एक बार फिर से explain कर दीजिए. हाँ, मैं first column के along कर रहा हूँ. मैंने 2 रखा है, right? मैंने यहाँ पे 2 रखा है बेटा. First मैंने 2 लिया तो अभी मैं किसको लूँगा? इसको consider करूँगा, right? I'll leave this row and this column. तो ये ध्यान से. वो लास्ट कॉलम लास्ट रो में वो 6 माइनस 3 और 9 कैसे आया वो? नहीं नहीं, ये तो हमने एग्जांपल लिया है बेटा, ये आया नहीं है, ये हमने एग्जांपल लिया है. एक्चुअली हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं
कि अगर मेरे पास दो रोज या फिर दो कॉलम प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ मैंने R1 और R3 को प्रोपोर्शनल लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो R3 over R1 is nothing but 3 by 1. Look at the elements, right? Or you can also say that R3 is nothing but 3 times of R1. ध्यान से देखो, right? R3 के जितने भी elements है 3 times है। तो ये मैंने example लिया बेटा, ये आया नहीं है, right? हम सिर्फ इसको verify कर रहे हैं कि ये वाली चीज इसका जो output है वो zero होना चाहिए, okay? ठीक है, तो मैंने ऐसा ये एग्जांपल लिया है दैट आर थ्री इज थ्री टाइम्स ऑफ आर वन। ये टू टाइम्स ले सकते थे, फोर टाइम्स ले सकते थे, कुछ भी टाइम, यू के आप इसको सिमिलर भी ले सकते थे, ठीक है? अगर सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल तो है ही है, राइट? वहां पे क्या हो जाएगा, द रेशियो विल बी इक्वल टू वन। ओके, सो आई होप दैट इज फाइन। नाउ वन से अगर मैं अभी मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर रहा हूँ, तो अभी मैं कौन से चार एलिमेंट्स लूंगा, बस इस ये वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, माइनस नाइन, एंड माइनस का माइनस प्लस नाइन, कितना हो जाएगा जीरो। सिक्स के साथ देखता हूं तो दीज फोर एलिमेंट्स वुड कम, दैट इज माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस थ्री और माइनस सिक्स कितना हो गया बेटा, माइनस थ्री और माइनस सिक्स हमारे पास आ गया माइनस नाइन। ओवरऑल जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 54 माइनस जीरो, और ये कितना बन गया, माइनस 54। सो डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, ठीक है? सो दैट इज हाउ दीज प्रॉपर्टीज आर टू बी रिमेंबर्ड बाय अप्लाइंग यू नो एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है? दोनों को साथ लेके चलो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी और रिपीटिशन प्रॉपर्टी। इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं और रिपीटिशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी एक चीज, हालांकि मैंने हम लोग पढ़ी नहीं है, बट यहाँ पे तुम इसको समझ सकते हो। जैसे जैसे तुम्हें याद होगा कि मैट्रिक्स में, राइट, मैं अगर किसी भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो वो स्केलर सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, राइट? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, राइट, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2, 3, -1 and 4, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्वाइस ऑफ ए कितना होगा, तो आपको ध्यान होगा मैं सारे वो 2 जो है वो सब में मल्टीप्लाई होता है, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स -2, एंड दिस बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स 8, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए, अगर जब मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ। बट जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं ना बेटा, जैसे अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ए है और ये लेट्स से वही चीज़ है 2, 3, -1 and 4, मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है, डिटरमिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, राइट? अभी यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट हैज गॉट नो वैल्यू, दैट इज जस्ट एन अरेंजमेंट, ओके? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट यस यू आर वेरी श्योर दैट इसकी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है इसकी, 8 + 3, इट इज कमिंग आउट टू बी 11, राइट? इट हैज अ वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑलवेज हैज अ वैल्यू। तो अगर अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए करूंगा ना, राइट, मैं एग्जाम्पल ये आपको दे रहा था कि अगर जैसे ये ए है डिटरमिनेंट का, और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए करना है, तो ये जो 2 है ना, you can multiply this 2 in one of the rows or one of the columns, right? किसी एक row में या किसी एक column में multiply कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें करके बताऊं, अगर मैं इसको 2 और 3 first row multiply करता हूं, तो ये कितना बन गया? This coming out to be 4, 6 and -1 and 4, ठीक है? तो इसकी ये जो twice of a मैंने किया है, तो इसकी value मेरे पास 22 आनी चाहिए, because a अगर 11 था तो 2a मेरे पास 22 होना चाहिए। अगर हमने ठीक किया तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ गया 16, और माइनस का माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 6, तो इज इट कमिंग आउट टू बी 22, यस। तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि जब आप किसी स्केलर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो, दैट स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट, बट इन द केस ऑफ डिटरमिनेंट इट इज मल्टीप्लाइड ईदर टू अ रो और टू अ कॉलम, जस्ट वन ऑफ द रो और वन ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे तुम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो मेरे पास रो है, इस रो का, राइट, इसमें से मैं 3 बाहर ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बाहर डिवाइड, रेसिप्रोकल भी तो सही होगा ना बेटा, राइट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 × 3 - 1 × 3, एंड दिस, तो आई कुड हैव रिटन इट एज 3 टाइम्स दिस, और 3 टाइम्स जब मैं करता तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता, ये बनता आपके पास 2 - 1 और 3। तो ये चीज क्या बन गई, दो टू रोज आर व्हाट, टू रोज आर आइडेंटिकल, दे आर एग्जैक्टली सेम। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी और जो आपका आइडेंटिकल चीजें हैं, इसके बीच में रिलेशन यही इसी प्रॉपर्टी से निकल के आता है, दैट व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई अ स्केलर टू अ डिटरमिनेंट, इट इज मल्टीप्लाइड टू ईदर वन ऑफ द रोज और वन ऑफ द कॉलम्स, ओके? यहाँ पे दो चीजें हमने डिस्कस की, आई एम श्योर ये वाली प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें यहाँ बता दी, क्योंकि यहाँ पे एक लिंक था इसे मैंने बता दी, अभी आगे हमें पढ़ना भी होगा, ठीक है? लेट्स सी सिक्स्थ वन, दिस इज द प्रॉपर्टी जो अभी मैं बोल रहा था, मल्टीप्लाइंग अ डिटरमिनेंट बाय के, राइट, के इज व्हाट, एनी नंबर, means multiplying the elements of only one row or one column by k,
इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने वहां भी पढ़ रखा है राइट, मैट्रिक्स में पढ़ रखा है, तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ही कहते हैं राइट। ये चीज मैंने अभी भी डेमोन्स्ट्रेट किया तो मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ आपको। इज इट ओके एवरीवन? ठीक है राइट, क्लास थोड़ी स्लो चल रही है आई एम श्योर, बट आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट राइट। जहाँ पे फास्ट करनी होती है मैं कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक्स कर रहे हो, सीबीएसई वाले बच्चे तो फर्स्ट टाइम ये सब कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा मैं स्लो ही चल रहा हूँ। ओके, आईएससी वाले बच्चों को अभी थोड़ा सा ज्यादा मजा आ रहा होगा कि अरे ये सब तो सब आता है, चलो कोई नहीं। प्रॉपर्टीज अलग ही सर, प्रॉपर्टीज नहीं थी पिछले साल। अच्छा प्रॉपर्टीज नहीं थी, दैट्स गुड, ठीक है फिर ध्यान से देखो राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दी सेवंथ प्रॉपर्टी। If elements of a row or column in a determinant can be expressed as the sum of two or more elements, then the given determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. इस property को competitive world में sum property बोलते हैं, ध्यान रखना आगे, ठीक है? इस property का नाम क्या है? Sum property नाम है। क्या मतलब है? आओ फिर से example देके बताता हूँ। Suppose करो, आपके पास एक determinant है, right? 2x2 का ही ले लो। A प्लस अल्फा, बी प्लस बीटा, ठीक है, A प्लस अल्फा, बी प्लस बीटा, और यहां पे लेट्स से मैं ले लेता हूं सी एंड डी, ठीक है। तो अगर कभी भी किसी भी एक रो में, ध्यान से देखो प्रॉपर्टी को समझो, इफ यू हैव वन रो और वन कॉलम, जहां पे डिटरमिनेंट को आपने एज अ सम एक्सप्रेस किया है, ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस भी होता ना तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती, ठीक है। कैसे, मैं अभी एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। पहले प्लस वाला देखो राइट, विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन वन बाय वन मूव करते हैं। तो क्या मतलब है इसका, मैं इसको दो डिटरमिनेंट्स के सम में लिख सकता हूँ, आई कैन एक्सप्रेस इट एज टू और मोर डिटरमिनेंट्स। फिलहाल यहाँ पे दो है तो मैं दो की तरह लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी प्लस, और क्या था सम में मेरे पास, अल्फा बीटा, और सी डी वुड रिमेन इंटैक्ट, जो अपनी पोजीशन पे थी वो वैसी रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता बच्चों तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस ही होता और यहाँ पे ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाता। इन केस यहाँ पे बीच में अगर माइनस होता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता व्हाट, ये आपका माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो जाता, जिसको आप अगर चाहो तो यहाँ पे भी प्लस को माइनस साइन से रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको करनी होती है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप बुक पलट के देखना, आपको ढेर सारे ऐसे बोर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों बोर्ड में, सीबीएसई में भी आईएससी में भी राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां आप ये देखेंगे दैट दे गिव यू यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दिस, स्पेसिफिकली वो ये बोलेंगे राइट। आप उसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ध्यान रखना, बोर्ड में इट इज द मेथडोलॉजी दैट मैटर्स right, it is not just the final answer, I won't say that the final answer does not matter, yes it does matter, but it what matters more is the methodology. If they have given you a specific method, you are supposed to solve it by that method. agar tumne wo method use nahi kiya hai kuch aur karke sahi answer tak pahunch gaye ho, tumhe zero marks milenge, dhyan rakhna, theek hai. clear instructions hote hain hamare jaise examiners ko ki bhai agar jo specific method use karna hai agar wo use nahi kiya hai bacche ne, बिल्कुल सही सही, हाँ अगर मेथड डिटरमाइन, मेथड नहीं बोल रखा, सिर्फ बोला है कि ओके डू दिस, देन यू कैन यूज एनी मेथड व्हाट एवर इज देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। बट हाँ अगर उन्होंने मेथड बोल रखा है तो तुम्हें उसी मेथड से करना है, तुम अगर किसी और मेथड से करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे भर देते हैं, चलो कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे, नहीं मिलते यार, मैथमेटिक्स में पेज भरने के मार्क्स नहीं मिलते, इंग्लिश में मिल जाते हैं, हिंदी में मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलते मार्क्स। यहाँ अगर आपने रेलेवेंट चीजें लिखी है तो मार्क्स मिलेंगे, अगर रेलेवेंट चीजें नहीं लिखी है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेथड इज इंपॉर्टेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग मेथड सीख रहे हैं, ओके। आज की पूरी क्लास हमारी मेथड बिल्डिंग में ही चली जाएगी, कि क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें चली जाएगी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस, अगेन इसको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस कहते हैं, क्या है देखते हैं। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, ईदर अ रो और अ कॉलम, ठीक है, ऑफ अ डिटरमिनेंट The equi multiples of corresponding elements, equi multiples क्या मतलब है, अभी example देख के बताता हूँ, ठीक है। equi multiples का मतलब होता है कि equal multiple, ठीक है, किसी एक corresponding element of other rows are added, then the value of the determinant remains same, ठीक है। क्या मतलब है देखो, मैं करके बताता हूँ, let me help you with this, let's say
आपके पास एक डिटरमिनेंट है 1, 2, 3 माइनस 1, 2 एंड 4 एंड लेट दिस बी 0, 1 एंड 2. ठीक है, मैंने एक इजी डिटरमिनेंट लिया है सो दैट आई डोंट गेट मच कैलकुलेशन. फाइन, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि इफ यू टेक द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, मतलब किसी एक, या तो तुम रो पे अप्लाई कर सकते हो या फिर कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इसको डिटरमिनेंट ए कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सो दैट वी कैन वेरीफाई कि हाँ वो सेम रहा कि नहीं. ठीक है, एक डिटरमिनेंट ए लेते हैं और एक डिटरमिनेंट बी ले लेते हैं. डिटरमिनेंट बी क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने कह रखा है उसको अप्लाई कर लेते हैं. क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या रखा है, दैट इफ यू एड इक्वल मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट्स, लेट्स से मैं इसमें क्या करता हूं, रो थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ रो वन कर रहा हूं. ठीक है, रो थ्री में मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है. क्या अप्लाई किया बेटा, ये इक्वल मल्टीपल्स का ये मतलब है, इक्वी मल्टीपल्स, राइट, दैट इक्वल मल्टीपल्स, जो आर वन के सारे मल्टीपल्स किससे हो रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो वन इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद टू. ओके, corresponding elements of other rows or columns are added. Yeah, this can also be applied to column. We can also do, right, we could also do into a column. Let's say I could have done C2 is transformed to C2 plus twice of C1 or C3, whatever. Okay? तो कुछ भी आप इस तरीके से apply करके देख सकते हो. हम सिर्फ अभी ये चाहते हैं कि भाई verification होनी चाहिए कि आपने जो भी चीज़ पढ़ी है वो चीज़ example में आपको दिखना चाहिए कि अच्छा how does it work, what is that. ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं ये रो वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, कॉलम वाली तुम लिख लेना, तुम करके चेक करना. ठीक है, यू डू दैट, आई डू वन ऑफ देम, आई एम लीविंग द अदर वन फॉर यू. सो R3 में ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट मींस R1 एंड R2 दे विल रिमेन द सेम. R1 इज व्हाट, इट इज 1, 2, 3. R2 इज व्हाट, इट इज -1, 2 एंड 4. एंड R3 में ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या कह रहे हैं, R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1, सो इट इज 0. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, twice of 1 is 2, 0 plus 2, I'm writing it as 2. If you don't get a single thing, please ask me then and there. Use your mic. Okay? C2 is what? R3 mein yahan par ye wala element kitna hai? 1. Aur isko maine twice kiya, toh ye kitna ho gaya? 4. Okay? Toh 1 plus 4, that is taken as 5. Similarly, this is coming out to be 2, right? Or twice of this kitna ho gaya? 8. 8 plus 2 is what? 8 plus, okay, no. It's 2, aur ye twice karne se 6 hua na? Toh 6 plus 2, that is coming out to be 8. ठीक है, तो अगर हमने अभी अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए. आओ करके देखते हैं, लेट अस फाइंड द वैल्यू जो हमें सिंपल तरीके से निकालना आता है उससे करके देखते हैं वेदर वी आर गेटिंग द सेम थिंग और नॉट. ओके, तो लेट से मैं इसको R1 के अलोंग ओपन करता हूँ, इसको भी R1 के अलोंग ही ओपन करेंगे. ठीक है, चेक करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए. अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए. तो मैंने R1 के अलोंग किया, 1 × कितना हो गया बच्चों, 4 - 4. That is coming out to be 0. Where -2, right? R1. This is your element here. -2. ये कितना बन गया? -2 × 4 × 0. That will remain as -2. 0 तो गया. और ये मेरे पास हो गया 3. 3 से क्या आ गया? -1 - 2. -1 × -2. यानी -1 - 2 कितना देगा मुझे? -3. यानी overall जो value मेरे पास आ रही है, this is 0. This is +4. And that is -9. तो expression की value जो आ रही है मेरे पास की -5 आ रही है. If we have not done any calculation mistake, the expression should exactly be the same in the second one as well. So let us see. इधर R1 के along मैंने open किया 1. क्या multiply करूँगा? 16, right? 16 - 20. ठीक है? 16 - 20. What is that? It is -4. ठीक है? 16 - 20. It is -4. Then that will be multiplied with -2. तो मैंने -2 में मल्टीप्लाई किया, राइट, 2 है और माइनस साइन इसकी पोजीशन की वजह से -1 की पावर 3. ठीक है, दैट इज -8 एंड अगेन -8, -8 × -8, -8 कितना बन गया मेरे पास, -16 आ गया. ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज 3 × ये कितना आ रहा है, -5 और ये कितना बनेगा मेरे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी -5 और -4, यानी कि ये बन रहा है -9. ये बन रहा है मेरे पास -9. देखते हैं बच्चों कितना आ गया, दिस इज -4, दिस इज +32,
and this is minus 27, right? Minus 27, minus 4, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, हमने कर डाली, राइट? आओ भाई एक बार क्रॉस चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? एक बार क्रॉस चेक करेंगे फटाफट से. वन के साथ मैंने ओपन किया था, ये बना मेरे पास फोर एलिमेंट्स, ठीक लिखे है ना? राइट, दैट वाज टू एंड दैट वाज फोर, सो इट वाज फोर जीरो, बिल्कुल सही है. हाँ, थ्री के साथ क्या बेटा? ये थ्री के साथ मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, माइनस फाइव और माइनस फोर, माइनस, हाँ इस वाले थ्री के साथ मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया, हाँ यू आर राइट, यहाँ माइनस वन लेना चाहिए था, राइट? ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, यू आर राइट, यहाँ सिर्फ माइनस वन लेना चाहिए था. तो अगर मैं माइनस वन लेता हूँ बेटा, तो ये माइनस वन हो जाएगा, और इन दैट केस इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री, सॉरी प्लस थ्री, ठीक है? तो ये मेरे पास प्लस थ्री हो रहा है, तो फिर भी तो कुछ गलत हो रहा लगता है. ये हो गया जीरो, ये हो गया फोर, और ये हो गया माइनस थ्री, राइट? दिस माइनस थ्री, सो फोर माइनस थ्री दैट इज कमिंग आउट टू बी वन. हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 32, और ये बना आपके पास कितना, माइनस 31, सो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी वन. तो मैंने कई बार आपसे कहा भी है कि कैलकुलेशन दो बार कर लिया करना, ठीक है? यहाँ हालांकि जब वेरिफिकेशन करना होता है तब तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो गलती हुई है, तो वेरीफाई इजिली पता लग जाता है. बट अदरवाइज जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने ये बार बार आपसे बात कही कि इसमें कैलकुलेशन एक से दो बार चेक कर लिया करो, ठीक है? बिकॉज इसकी वेटेज ज्यादा होती है और कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, राइट? एक भी जगह तुमने अगर कहीं भी एक भी एलिमेंट आगे पीछे करा, यू वेंट रॉन्ग, राइट? स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बट जहां पे सारे मार्क्स मिल सकते थे वहां तो मार्क्स चले गए ना, इसलिए जस्ट बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, राइट, वेयर एन इज ग्रेटर देन वन, ऑफ अ रो और अ कॉलम आर जीरो, देन द डिटरमिनेंट इज जीरो. अगर मेरे पास किसी भी एक डिटरमिनेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, या तो किसी रो में या फिर किसी कॉलम में, ठीक है? लेट्स से 5, 6 एंड 4, तो इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, ये जीरो ही होगा. ये तुम्हें ऐसे भी समझ आना चाहिए कि अगर मैं इसको कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो जीरो इंटू एवरीथिंग विल गिव अस अ जीरो, नो, जीरो इंटू एनीथिंग विल ऑलवेज गिव अस जीरो. सो सेम थिंग वुड अप्लाई अगर मैं इसमें मान लो सेकेंड रो को जीरो ले लेता हूँ, राइट? सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को जीरो ले लेता हूँ, इसको मैंने बना दिया फोर, इसको बना दिया माइनस थ्री, और यहाँ मैंने ले लिया जीरो, ठीक है? तो इवन हेयर दैट विल बी जीरो. व्हाई? बिकॉज वी कैन ओपन द डिटरमिनेंट फ्रॉम एनी प्लेस. तो अगर मैं इसको आर टू के अलोंग ओपन करूंगा तो सारे एक्सप्रेशन जीरो से मल्टीप्लाई होंगे, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, जीरो. सो दैट इज अनदर इजी प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑल जीरो प्रॉपर्टी. ऑल जीरो डजंट मीन दैट एवरी एलिमेंट इज जीरो, इट ओनली मीन्स दैट all the elements of a particular row or all the elements of a particular column, they are zero. Okay? Fine. Just do teen property aur reh gayi hai, uske baad we'll have some questions. So let's see. In a diagonal matrix, right, again n is greater than 1, that means it should have at least n is greater than equal to 2 hona chahiye, right? Yani aapke paas kam se kam 2 rows aur 2 columns to honi chahiye. Its determinant is equal to the product of its diagonals. It's very simple. अगर कोई भी diagonal matrix है, diagonal matrix तो हमेशा क्या होता है, square matrix ही होता है, right? 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. तो simple ये कह रहे हैं कि अगर आप इसका determinant निकालोगे, right? Determinant मतलब आपने इस sign को change कर दिया, यहाँ पे एक straight line खींची और ये बन गया determinant, right? That is the symbol of determinant. That is how you represent a determinant. तो ये क्या बोल रहे हैं, diagonal elements के equal हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1 into 2 into 4. What is that? 8. ठीक है? Multiplication of all the diagonal elements, that is 1 into 2 into 4, that is 8. Okay? That is your 10th property. Coming to the second last property, if you have two matrices A and B, two square matrices of the same order, तो अगर आप A, B करोगे, यानी दो matrices को आपने multiply किया, और फिर उसका determinant लिया, that is equal to कि आप A का determinant ले लो, और B का determinant ले लो, और उसको multiply करो. ठीक है? आओ, इसको अगेन एग्जाम्पल से करते हैं, बिकॉज हमने ये सारी मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल सब कुछ कर रखा है. तो आप फटाफट से एग्जाम्पल लेंगे, राइट? लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 0, 3, ठीक है? और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी, लेट्स से इट इज 2, 4, 5, 6, ठीक है? तो ये कह रहे हैं ए बी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ए बी कैलकुलेट करता हूँ, इसी बहाने हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को फटाफट से रिवाइज करेंगे और
जिन बच्चों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिस करा था वो ध्यान से देखेंगे, उनको ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं भाई, ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका आउटपुट हमेशा 2x2 का ही आएगा, राइट। जो जिस ऑर्डर का होता है उसी ऑर्डर का आता है, अदरवाइज अगर डिफरेंट होता तो इसका नंबर ऑफ रोज होते और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होते, और इन दोनों का सेम होना जरूरी है, यानी फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ओके, फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, we multiply the corresponding element of the first row to the first column in order to get the first element, theek hai, 1 into 2 is 2 and 2 into 5 is 10, so 2 plus 10 that is coming out to be 12. Similarly 1 into 4 ab maine yahan isko multiply karunga, 1 into 4 and 2 into 6, 2 into 6 is 12, 12 plus 4 is coming out to be what, 12 plus 4 is coming out to be 16. Then coming to the second row, this will multiply to first element yahan pe first column se, तो ये 0 हो गया और ये 15 हो गया, दैट रिमेन्स 15। यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 0 इंटू 4 इज 0, 3 इंटू 6 इज व्हाट, 18। तो ये मेरे पास ए बी की वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको सिंपली वेरीफाई करता हूँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए कितना आ गया, 3 आ गया विदाउट एनी टेंशन, आई एम श्योर आपको कोई परेशानी नहीं है ये बोलने में 3। बी अगर आप देखो तो 12 और 12 माइनस 20, आई होप यू आर गेटिंग एट माइनस 24। तो ये जो RHS है, this RHS is coming out to be minus 24, right? मैं LHS देखता हूँ, that means the determinant of AB, AB देखता हूँ, ये कितना हो गया 12 into 18, right? थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है बट ठीक है, नो टेंशन। 12 into 18 minus 15 into 16, right? आइए देखते हैं कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 180 और 36, यानी कि 36। तो आई थिंक दैट इज कमिंग आउट टू बी 216, right? This should be 216. यहाँ पे अगर आप देखो तो 15, 150 plus 90, शायद ये 240 है, कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए, ठीक है? तो 216 minus 240, that is coming out to be minus 24. So RHS is coming out to be minus, LHS is coming out to be minus 24 and RHS we have already checked, it is coming out to be minus 24. तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी ऐसा होता है तो that is the property holds true. आप individually multiply कर सकते हो, depending on the condition, you can use this property. Coming to the last property that is there in our syllabus, this is again important, right? If A is a square matrix, important है, ध्यान से सुनना, ठीक है? If A is a square matrix of order n, and C is the square matrix of order n obtained by the cofactors of A, ठीक है? ये क्या है? ये cofactors of A. तो C और A के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है C का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। n क्या है? नंबर ऑफ जो पार है। क्या मतलब है करके बताता हूं। देखो सपोज करो मैंने कोई डिटरमिनेंट लिया, लेट से 3x3 का ले लेता हूं, ठीक है, 3x3 का डिटरमिनेंट ले लेता हूं, 1 4 0 3 2 1, 1, 2, and let's say this is 3, ठीक है? अगर मैं इस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स का एक डिटरमिनेंट बनाऊंगा, क्या मतलब है बेटा, ध्यान से समझना, राइट? मैं C को पहले बनाना सीख रहा हूं कि C है क्या, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, तुम्हारे अभी आगे आने वाले सिलेबस में तुम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हो एडजॉइंट का और इनवर्स का, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से एडजॉइंट और इनवर्स दोनों निकालते हैं जो मैं अभी करने वाला हूं। तो इन स्टेप्स पे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? दिस स्टेप्स वुड बी लेंथी एंड दे वुड बी इंपॉर्टेंट, राइट? 4-6 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से भी आएंगे, एडजॉइंट और इनवर्स वाले से भी, तो वो कहीं ना कहीं यही कोफैक्टर से निकल के आता है, तो ध्यान से देखना बच्चों। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, दिस इज द डिटरमिनेंट मेड बाई कोफैक्टर्स, राइट, एज पर द गिवन डेफिनेशन, राइट? दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, मैं इसको C11 कह रहा हूँ, इसको मैं C12 कह रहा हूँ, इसको मैं C13 कह रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ मेरे पास C22, ऐसे ही तुम करोगे, ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक जस्ट मेक श्योर दैट यू डू स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग इवन विद द गुड चिल्ड्रन, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? C21, दैट शुड बी C21, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसके कोफैक्टर्स लिखे हैं। अब ये सारे एलिमेंट्स मैं अलग से यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा और मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में भी इसी तरीके से अलग से करना, इट इज एडवाइजेबल, ठीक है?
हाँ अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है तो ठीक है आप डायरेक्टली भी कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं देखो C11 लिख रहा हूँ, को फैक्टर में पता है हमारे पास माइनस वन डी की सिग्निफिकेंस होती है, तो को फैक्टर ऑफ C11 क्या हो जाएगा, दीज फोर एलिमेंट से निकल के आएगा, क्या बन गया बेटा 6 माइनस 2 4, क्योंकि यहाँ पे सम इवन है तो इट विल रिमेन प्लस, राइट, द साइन वोंट चेंज। C12 की अगर मैं बात करूं, राइट, C12 इज दिस, तो इसके लिए ये चार एलिमेंट्स आएंगे, दीज फोर एलिमेंट्स वुड कम, दैट इज 9 9 माइनस 1 इज 8, बट यहाँ पे सम इज ऑड तो ये क्या बन जाएगा -8। सिमिलरली C13 अगर आप देखो तो C13 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये चार एलिमेंट्स बनेंगे, दीज फोर एलिमेंट्स, ओके, ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी 6 6 माइनस 2 दैट इज 4, इट विल रिमेन 4 एज द सम इज इवन। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ठीक है, आइए आई विल डू इट फॉर यू सो दैट यू, क्योंकि अनसॉल्व क्वेश्चंस आपके पास काफी होंगे, है ना, बहुत टेंशन मत लेना, अभी जो कमिंग एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चंस ढेर सारे हैं और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं बेटा, तो रिलैक्स होकर के हर रोज 10-15 क्वेश्चन करना, इसमें आपको कहता हूँ जब काम ज्यादा हो थोड़ा प्रायोरिटाइज करो वर्क को, राइट, यानी प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है, पहले एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कर लेना, बाकी क्वेश्चंस सेकंड राउंड में कर लेना, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ओके। जब मैं C21 कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, तो माइनस जो भी साइन आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, C21 इज दिस एलिमेंट, इसका जब मैं माइनर निकालूंगा तो ये हो गया 4 3 जा, राइट, ये मेरे पास 4 था तो 4 3 जा दैट इज कमिंग आउट टू बी 12 और ये कितना हो गया 0, तो ये 12 हो रहा है तो इसको मैं माइनस 12 लिखूंगा, आई होप यू रिमेंबर दैट, ओके। C22 अगर देखूंगा तो 3 माइनस 0 दैट विल रिमेन 3, C23 अगर मैं देखता हूं तो ये कितना हो गया 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज व्हाट, इट इज -2, -2 है और यहाँ पे मेरे पास ऑड भी दिख रहा है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 हो जाएगा, तो -2 यहाँ पे मैं इसको +2 लिख रहा हूँ। C31 सिमिलरली दीज फोर एलिमेंट्स विल कम, ये कितना हो गया 4 माइनस 0 दैट इज कमिंग आउट टू बी 4, राइट, यहाँ पे सम इवन है तो ये जो भी साइन आ रहा है वही साइन रहेगा। C32 देखते हो, C32 में दीज फोर एलिमेंट्स वुड कम, ये कितना हो गया 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे इवन है इसका सम 3 प्लस 2 तो इसका साइन विल इनवर्स, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। C33 सिमिलरली दिस इज 2 माइनस 12 दैट इज कमिंग आउट टू बी -10, ये तुमने को फैक्टर्स का एक डिटर्मिनेंट बनाया। अब जब आप इसकी वैल्यू, आपने एग्जांपल नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लेना जरूर से, ठीक है। अब जब आप इसकी वैल्यू चेक करोगे, राइट, सी का जो भी हमारे पास सी का एक वैल्यू आएगी और ए की एक वैल्यू आएगी, तो इसके बीच में प्रॉपर्टी क्या होगी कि सी की जो भी प्रॉपर्टी, सी की जो भी वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट की और ए की जो भी वैल्यू आ रही है एन रेस पर -1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 3/3 है, यानी यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या 3 मिलेगा, तो 3 माइनस 1 कितने हो गए 2, तो ए स्क्वायर होगा, दैट शुड बी द रिलेशन। अगर यहाँ पे मुझे x मिल रहा है तो यहाँ पे ये वैल्यू x स्क्वायर होगी, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज डू द रिमेनिंग कैलकुलेशन इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास, ठीक है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू वेरीफाई दिस, आई हैव डन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्क, रेस्ट 20% आई लीव इट टू यू, ठीक है। सो एट दिस स्टेज वी हैव फिनिश्ड ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट, बहुत ध्यान से हर प्रॉपर्टी पे मैंने आपको एग्जाम्पल देके कराया है, ठीक है, ये इवैल्यूएशन की कुछ खास नहीं है, राइट, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो मैंने रिप्रेजेंट आपको बताया भी था, यहाँ फिर से एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ, राइट, पहले इधर कुछ अगर डाउट है तो पूछ लो, पहले इस स्लाइड में कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर एक लास्ट स्लाइड और डिस्कस करेंगे एंड देन दैट विल बी ऑल फॉर द डे, देन वी विल प्रोसीड टुमारो, ओके। सो लास्ट वाली पार्ट क्या था, एक बार फिर से बताइएगा। मैंने ये बेटा आपको को फैक्टर का डिटरमिनेंट बनाना आ गया, ये वाली चीज आ गई, ये मैंने पूरा पूरा कैलकुलेट करके दे दिया आपको, यस सर, ठीक है। और उसके मैंने इसके में ये बताया आपको कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास जो भी ओरिजिनल डिटरमिनेंट था अगर उसकी वैल्यू एक्स है तो जो को फैक्टर का डिटरमिनेंट है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज व्हाट, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज 3/3, तो एन की वैल्यू कितनी है, इट इज 3, what is the value of n, and in this case is 3, that is the order, the order is, it is a third order determinant, isn't it, theek hai, to yahan pe agar iski value x hai beta to iski value x square aayegi, hai na, to iski value tum nikal, nikal hi deta hu yaar itne der mein, hai na, itne der mein ho jayega।
हो जाएगा बेटा, आराम से करके देखना, बहुत इजीली हो जाएगा, 80% वर्क इज डन। एक चीज और, जस्ट 2 मिनट्स आई टेक, इसको भी देख लो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आपको परेशानी ज्यादा आए, थोड़ी थोड़ी भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये चीज भी देख लीजिए एंड देन यू विल बी गुड टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज। ठीक है, पहले सॉल्व क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, पहले सॉल्व क्वेश्चंस कर लेना। अगर बुक नहीं है आपके पास तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं सॉल्व क्वेश्चन की भी आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन में मैंने बार बार कहता हूँ कि प्रायोरिटाइज करो वर्क को, पहले एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करना और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करना। जो आईएससी के स्टूडेंट हैं वो भी ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें सिमिलर है बेटा, बोर्ड में कोई डिफरेंस कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, वहां से भी आप डाउट पूछिए, हालांकि आप अगर इससे कर लेंगे तो आपकी बुक में आपको डाउट आएगा ही नहीं, राइट। मेरा मेरी रीडिंग तो यही कहती है कि अगर आप आरडी शर्मा कर लेते हैं तो आईएससी की जो टेक्स्ट बुक है आपको वहां पे डाउट आता ही नहीं है, राइट, बिकॉज उससे बेहतर क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेते हो। ओके, देखिए इसका क्या मतलब है, इसको फटाफट से देखते हैं। आर आई इज वॉट, आर आई इज नथिंग बट द आईथ रो। सिमिलरली अगर सी आई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सीएथ कॉलम, राइट, सीएथ कॉलम। अगर मैं कह रहा हूँ कि सी टू या फिर मैं कह रहा हूँ आर थ्री, तो व्हाट डज दिस डिनोट, दिस डिनोट्स द सेकंड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट और द मैट्रिक्स, डिपेंड्स क्या यूज कर रखा है। आर थ्री इज व्हाट, दैट इज द थर्ड रो ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ रोज, इसको कैसे डिनोट करते हैं, कई बार हम लोग जैसे अभी मैंने ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर कभी भी हम लोग तो इसको हमने अभी एग्जाम्पल से प्रूव भी करा था दैट कभी भी इफ वी इंटरचेंज द रोज, राइट, मैंने आर वन और आर थ्री को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गई थी, नेगेटिव साइन की हो गई थी, अगर तुम्हें ध्यान है तो। ठीक है, कभी भी अगर मैं किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, जैसे मैं कोई मेरे पास डिटरमिनेंट है उसमें मैं सी वन और सी टू को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये जो साइन है ना, दिस साइन शोज व्हाट, इंटरचेंज ऑफ टू कॉलम्स और इंटरचेंज ऑफ टू रोज, व्हाटएवर डिपेंड्स जो अभी आपने यूज किया ऑपरेशन में। तो ये सारे साइंस सिंबल्स हमें पता होना, ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं और पता भी होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस साइन हो जाता है, ये हमें ध्यान रहेगा। ओके, थर्ड में क्या कह रहे हैं, एडिशन विथ लैम्डा टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया भी था, जैसे आर वन मेरे पास कोई रो है, राइट, मैंने इसमें क्या किया, आर वन प्लस लैम्डा टाइम्स आर थ्री किया था। अभी मैंने कुछ किया था ना, थ्री टाइम्स आर थ्री, राइट, तो लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर है, इट इज एनी रियल नंबर, वन टू थ्री कुछ भी, वन बाई टू वन बाई थ्री कुछ भी हो सकता है, राइट, इट रियल नंबर का मतलब रियल नंबर होता है, जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन अंडर रूट एनीथिंग इज पॉसिबल, इट जस्ट दैट इट शुड बी अ रियल नंबर। ठीक है, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, ध्यान रखना। तो कब ये जो ट्रांस, इसको यहाँ देखो, देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, बोथ साइड एरो है, राइट, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज हो रहा है, द रोज आर इंटरचेंज, द कॉलम्स आर इंटरचेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है, वन साइड एरो है, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ कभी भी इक्वल टू मत लिखना बच्चों, ध्यान रखना, ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रो वन इज ट्रांसफॉर्म टू रो वन प्लस दैट, और यहाँ तुम्हें मैं याद दिलाऊं यहाँ पे क्या था, दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। ये सब हमने अभी किया है बेटा आज की क्लास में। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ एंड द फाइनल थिंग, दैट इज अगेन अबाउट रिप्रेजेंटेशन, आर आई इनटू लैम्डा, लेट्स से मैंने आर टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं इसको कह दूं थ्री टाइम्स आर टू। ठीक है, थ्री टाइम्स आर टू, तो इसका क्या मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो विल बी मल्टीप्लाइड टू दैट लैम्डा। ये तो हमें पता ही है ना, डिटरमिनेंट में क्या होता है, कोई भी जो स्केलर होता है वो या तो एक रो में मल्टीप्लाई होता है या फिर एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैंने थ्री टाइम्स आर टू किया है तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मैंने फोर टाइम्स सी वन करा है तो इसका क्या मतलब है कि कॉलम वन के सारे एलिमेंट्स को हम लोग फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल, आज हमने 90-95% थ्योरी की है, राइट, बट स्टिल मैंने हर जगह पे आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किए जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट वेरी यू नो थ्योरेटिकल। मैथमेटिक्स में ज्यादा थ्योरी अच्छी नहीं लगती है, बट हाँ ये वाला पार्ट ढंग से करना जरूरी था, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार आप रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद फिर आप सॉल्व एग्जाम्पल से शुरू करना और फिर इन क्वेश्चंस को करोगे तो तुम्हें परेशानी बहुत कम आएगी। ठीक है, कल की क्लास में हमारा मेन फोकस क्वेश्चन डिस्कशन पे ही होगा, हम सिलेबस आगे नहीं बढ़ा रहे। ओके चिल्ड्रेन, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, राइट, इन केस यू हैव एनीथिंग एल्स टू डिस्कस यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ मैसेज ओवर द ग्रुप, राइट, जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है वहां